नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। विजय दशमी के मौके पर शस्त्र पूजन। बरेली मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर प्रांगण में विजय दशमी के मौके पर पंजाबी समाज द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बरेली महापौर उमेश गौतम रहे और वन विभाग मंत्री जी के बड़े भाई अनिल कुमार एडवोकेट भी शामिल रहे और इसके पश्चात रवि छाबड़ा, सतीश खट्टर, मनोज अरोड़ा, पप्पू भरतौल से के एम अरोड़ा, गुरमीत सिंह उपस्थित रहे। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। आज विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पंजाबी संगठन द्वारा कार्यक्रम किया गया, इसमें शस्त्र पूजन भी किया गया है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि घर में जितने भी लोग हैं उनको शस्त्र चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ जाती है तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। घर वालों को लगता है कि नहीं नहीं ये कैसे चलेगा, कुछ पता ही नहीं है। तो विजयदशमी तभी आपकी विजयदशमी है जब घर का हर सदस्य शस्त्र को चलाना सीख जाए और जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए। सबसे पहले पंजाबी संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे भारतवासियों को विजयदशमी दशहरा पर्व की कोटि कोटि शुभ मंगल कामना। चूँकि सर्वविदित है भारतवर्ष में विजयदशमी का पर्व बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आसुरी शक्तियों का नरसंहार करने के लिए द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में भी अवतार लिए गए और उन अवतारों ने आसुरी शक्तियों का संहार किया। इसी कड़ी में कलयुग में भी तरीका बदल गया। आज हम अगर संहार करने को तैयार हैं तो जो भारत माता की शान आन के लिए आवाज़ उठाएगा गलत तरीके से, देशद्रोहियों के लिए हम हर वक्त अपना सीना छलनी करवाने को तैयार हैं। अगर हम एक मरेंगे तो 100 मार के मरेंगे। भारत सरकार के संग पंजाबी संगठन पूरी तरह समर्पित है। हमें जब भी आदेश होगा भारत माता के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम लड़ मरने को तैयार होंगे भारत माता की खातिर। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।